145 मीरा भाईंदर विधानसभा निवडणुकीचे काँग्रेस पक्षाचे महाआघाडीचे उमेदवार मुझफ्फर हुसैन साहेबांना की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. 145 मीरा भाईंदर विधानसभा निवडणूक 2019 के आज के इस जाहिरनामा प्रकाशन समारंभ पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बालासाहेब थोरात जी, मंच पे उपस्थित खासदार हुसैन दलवाई साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और कोंकण के प्रभारी बीएम संदीप जी, राजेश शर्मा जी, लियो कोलोसो, महेंद्र सिंह चौहान, सीडी सिंह, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष संतोष पेंडुरकर, मंच पे उपस्थित सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएं, जिले के अध्यक्ष अंकुश मालूसरे, कार्य अध्यक्ष प्रमोद सामंत, गट नेता जुबेर इनामदार, जिले के ब्लॉक के प्रभाग के सभी पदाधिकारी, कोंकण से आए हुए सभी जिला अध्यक्ष, थाने पालघर के सभी जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों और पत्रकार दोस्तों, अभी आपने हमने सबने 150 सेंटेनरी ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी की झलक भरी फिल्म देखी और ये फिल्म इसलिए दिखाई गई कि आप और हम इस चीज को देखें और समझें कि कांग्रेस पार्टी उस महात्मा गांधी के विचारधारणों से चलती है, कांग्रेस पार्टी उस महात्मा के विचारों से बनी है जब इस देश में अंग्रेज राज्य करते थे और उस अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम था, मगर निहत्ते और सिर्फ विचार के हथियार अधुन निश्चय डिटर्मिनेशन वो गांधी जी के पास था और अपने विचारों से उन्होंने आपके और हमारे इस देश को आजादी दिलाई. आपने देखा कि उपोषण करना, सत्याग्रह करना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना, पद यात्रा निकालनी, आज जो आप और हम एक सिंबॉलिकली करते हैं उसकी ताकत क्या है वो उस गांधी जी के चित्र से आपको नजर आती है. आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करना है तो चार कदम पीछे चलते हैं, मोर्चा निकालना है तो 150 लोग जमते हैं, फोटो सेशन होता है, सेल्फी सेशन होता है, फेसबुक सोशल नेटवर्क का सेशन होता है, आंदोलन नहीं होता. जो सत्याग्रह करना, पद यात्रा निकालना, आंदोलन करना, यह एक विचार है और यह एक विचार उसके खिलाफ है कि जो सत्ता में बैठे हैं और अगर वो गलत काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उनसे न्याय की गुहार लगाने के लिए, उनसे न्याय करवाने के लिए गांधी जी के इन विचारों पे और उन आचारों पे कांग्रेस के हर वर्कर को आज चलने का वक्त आया है. फिर से
राज्य कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, रोजगार का क्या हाल हो रहा है, किसानों का क्या हाल है, इंडस्ट्रीज कैसे बंद पड़ रही है, इकोनॉमिकल डाउनफॉल कैसे हो रहा है, बैंकें कैसे एनपीए हो रही है, ये आज मसले, इश्यूज लोगों की और जनता की परेशानियां हैं। जैसे आजादी दिलाना ये देश का एक नारा था कि अंग्रेजों से आजादी दिलाओ, अंग्रेजों के अत्याचार से बचाओ, उसी तरह आज लोगों की अगर आपको हमको आवाज को आवाज मिलानी है, उनके मुश्किल और परेशानियों को हटाना है, तो आपको हमको फिर से वही गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट, पद यात्रा, उपोषण करने की पारी आपकी हमारी है। इसीलिए गांधी जी के इस 150 वर्षगांठ पर आपको ये चित्र दिखाया गया कि आप में हम में जो गांधी जी के विचार कहीं ना कहीं शीशे पे धूल जमती है, उस तरह से धुंधला सी गई है, उसे साफ करने की जरूरत है। और ये साफ करने के लिए इत्तेफाक से इस राज्य का चुनाव हो रहा है, और जो चुनाव होता है वही एक अवसर होता है कि जनता की आवाज को जनता के बीच जाकर के राज्यकर्ता ने क्या गलत किया है और कहां उनकी गलतियां हुई है जिसके वजह से लोग परेशानी में है, ये जनता तक के बताना है। और जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता से मत मांगना है, जनता का वोट मांगना है, यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तब लोगों को यह बताना होता है कि हमें आपकी समस्याओं से हम अवगत हैं, हमें आपकी परेशानियां पता है, हमें मालूम है। अगर कोई राज्यकर्ता जाकर लोगों से यह पूछे कि बताओ भाई आपकी समस्या क्या है, कोई पॉलिटिकल वर्कर अगर जाके ये पूछे कि बताइए आपकी समस्या क्या है, फिर तो आप ना पॉलिटिकल वर्कर हो और ना फिर आप पॉलिटिकल पार्टी हो। वर्कर और पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसे समाज में, राज्य में, देश में, जनता में क्या परेशानी है वो उसे पता होनी चाहिए। और वो हम लोकतंत्र में, चुनाव में इस जाहिरनामे के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को रखते हैं। और आज इसी जाहिरनामे का प्रकाशन आपके सामने किया गया है आदरणीय बाला साहब थोरात साहब के हाथ से। दोस्तों, ये शहर की किस तरह बना, एक वीरान जमीन महानगर कैसे बनी, 5 साल में तो नहीं बनी है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये 5 साल में बनी है? इसे बनाने के लिए 30, 35, 40 साल लगा है। ये 5 मिनट की फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपको सब कुछ नहीं बता सकते, मगर आगे क्या मैं करना चाहता हूं और ये शहर की क्या परेशानियां हैं उससे शहर के लोगों को राहत दिलाना चाहता हूं, वो इस जाहिरनामे के माध्यम से बताया गया है। 5 साल पहले जब भाजपा और शिवसेना की सरकार ने उनका जाहिरनामा निकाला था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुंबई के एंट्री पॉइंट के सारे टोल नाके हम बंद कर देंगे, निकाल देंगे। वो आज तक नहीं निकला है। धईसर टोल नाका हटाना है, ये मेरा निर्धार है। और उसमें मुझे जनता की साथ लगेगी। हाथ उठा के बताइए कितने लोग मेरे साथ आंदोलन में शामिल होंगे? पीछे से भागोगे तो नहीं ना? ट्रेन आपने देखा कि पहले मीरा रोड में ट्रेन नहीं रुकती थी, किस तरह ट्रेन रुकाने का प्रयास किया गया। 2 लाइन रेलवे की थी, 2 प्लेटफॉर्म थे,
उसे चार बनाया, 9 डब्बे की 12 डब्बे किए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, लेडी स्पेशल ट्रेन शुरू हुई, भाइंदर लोकल शुरू हुई। अब मेरा निर्धार है मीरा रोड लोकल शुरू करना है, और उसे शुरू करने के लिए बोरीवली से विरार तक के 6 ट्रैक का काम जो पिछले 20 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं उसे शुरू करना है। भाइंदर की महिला स्पेशल ट्रेन में बढ़ोतरी करनी है, उसे बढ़ाना है। भाइंदर से और लोकल ट्रेन छुड़वानी है, यह मेरा निर्धार है। मीरा रोड और भाइंदर रेलवे स्टेशन पे हमने 2015-16 के अंदर ही एस्केलेटर्स और लिफ्ट के प्रस्ताव पारित किए। एक एस्केलेटर बना है, अभी और एस्केलेटर्स और लिफ्ट जो हमने उस वक्त मंजूर कराया था 4, उसे पूरा करना है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और मुकम्मल करना है। क्या हालत थी मीरा रोड रेलवे स्टेशन के परिसर की, कितने लोग जानते हैं? 85 में, 90 में, 95 में, 2000 में, हाथ उठा के बताइए। और आज ये स्टेशन कितना कैसे बना है, किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया, और उद्घाटन किसने किया? ये शहर में आपके ऊपर लगान लगाया गया है जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। थोराट साहब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स हाउस टैक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है, मगर हमारे इस शहर में भाजपा की सत्ता है, महापालिका में 2 साल पहले मेजोरिटी लेकर आई है, गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया है लोगों पे, डबल टैक्सेशन कर दिया है। उस गब्बर सिंह टैक्स को हमको हटाना है, पानी शहर में लाना है। इन्होंने तो सिर्फ होर्डिंग लगाई 100 MLD पानी, 24 घंटा पानी, पानी तो शहर में नहीं आया, मगर 7 रुपया 10,000 लीटर के बदले 14 रुपया 10,000 लीटर का टैक्स आपने बढ़ा दिया। होर्डिंग्स लगी जो 100 MLD की योजना हमने सूर्य प्रकल्प की मंजूर की थी, 5 साल में उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ होर्डिंग लगी और कहा कि 24 घंटा पानी मिलेगा, आप हमको वोट तब दीजिए जब हम आपको पानी देंगे। तो पानी मिला क्या? तो क्या वोट दोगे? ये लोगों को बताना है। मेट्रो आज जहां भी देखो भाजपा और शिवसेना बैनर लगाती है कि मेट्रो हमने शुरू किया। मेट्रो पता है किसने शुरू किया? सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब पंत प्रधान थे तब पूरे देश में उन्होंने 65 सिटीज को सेलेक्ट किया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नियोजन किया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जापानीज गवर्नमेंट की मदद से रेलवे, पोर्ट्स, मेट्रो, मोनोरेल, उनका फाइनेंशियल हेल्प और डिजाइन और प्लानिंग लिया, ताकि जापान की कंपनी इस देश में आके 7 राज्यों में वहां पे इंडस्ट्रीज लगाए, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, रोजगार मिले। उसके तहत ये मेट्रो का काम शुरू हुआ। 65 शहरों में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के अंतर्गत काम शुरू हुआ, और उसके लिए उस काम की शुरुआत 2006 और 2007 में की गई। तब जाकर के आज सिर्फ अंधेरी से घाटकोपर की मेट्रो आपको नजर आती है। ये धईसर का जो मेट्रो है, जो ठाणे का जो मेट्रो है, ये सारा एक मेजर डेवलपमेंट प्लान के तहत बनाया गया। MMR रीजन में 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख उस वक्त थे। रास्ते, मेट्रो, मोनोरेल, JNPT, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारा उस 1.5 लाख करोड़ का नियोजन का हिस्सा है। मीरा भाइंदर की मेट्रो का काम भी उसमें समाविष्ट था। इस सरकार ने निकाल दिया था। 2015 में हमने हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन किए, मुख्यमंत्री आए और उन्होंने जाहिर किया
कि 2019 में मीरा भाईंदर चालू हो जाएगी। थोराट साहब, उनके भाषण के बाद मैंने महानगर पालिका की सभा में कहा था कि अगर मुख्यमंत्री साहब ने जो जाहिर किया है कि 2019 में मीरा भाईंदर में मेट्रो अगर चालू हो गई तो मुजफ्फर हुसैन राजनीति छोड़ देगा, मगर आज तक मेट्रो चालू हुई क्या? अरे क्या बात करते हो, सीएम साहब क्या झूठ बोलते हैं? मैं तो 9 बार ट्रेन में भाईंदर से जाकर आया, 9 बार सीएम साहब आए, हर बार एक एक स्टेशन का नामकरण हुआ, कभी बच्चों की खेलने की मेट्रो की ट्रेन आई, कभी कोई उसमें बैठ के गया, और आप बोलते हो आपने ट्रेन नहीं देखी। उस मेट्रो के काम को जल्द गति से पूरा करना यह हमारा लक्ष्य रहेगा। इस शहर में रोजगार उपलब्ध करा के देना है, नव युवकों को रोजगार उपलब्ध करा के देना है। हमने ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में 95-97 में जब डीपी प्लान बना था तब हमने ये नियोजन किया था कि 800 एकड़ में राय, मोरवा, मुर्दा, भाईंदर वेस्ट से लेके ये जो सॉल्ट पैंस है यहां पर आईटी सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो। मगर जब सेना बीजेपी की सरकार आई बीच में तब उन्होंने उसे निकाल दिया। ये शहर के आज वेटलैंड, सॉल्ट पैन, सीआरजेड सभी मुश्किल के सामने खड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं इस शहर में जो सीआरजेड नष्ट कर रहे हैं, मैंग्रोव नष्ट कर रहे हैं, वेटलैंड नष्ट कर रहे हैं, सॉल्ट पैन नष्ट कर रहे हैं। राय, मोरवा, मुर्दा गांव के लोग अपना रोजगार का बसर खेती बाड़ी से करते हैं, नमक पकाने से करते हैं। इन लोगों ने इन वेटलैंड को बर्बाद करके आज उस नमक के अगर में 4-4 फीट 6-6 फीट पानी भरा रहता है। राय, मोरवा, मुर्दा के गांव में कभी पानी नहीं भरता था, वहां पे लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी भरने लगा है। परिवहन सेवा के अंदर हमने नौजवानों को नौकरी दिलाई, इन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को लाके खड़ा किया कि उसने बेरोजगार कर दिया है उस गांव के बच्चों को, उन्होंने वहां से नौकरी से निकाल दिया है। परिवहन सेवा हमने 100 बसेस लाई, JNNURM के तहत लाई, सीएम साहब ने उद्घाटन किया, बसेस सड़ गई, बसेस चालू नहीं हुई। 15 बसेस जेम थे इस शहर में चलती है। इस शहर की बस सेवा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया है। इस शहर के अंदर बस सेवा को नियमित रूप से चलाना यह हमारा निर्धार है। सरकारी कार्यालय बनाना, म्युनिसिपल अस्पताल हमने जिला परिषद से लेकर महानगर पालिका में लाया, टेम्बा हॉस्पिटल को लेकर के बड़ा अस्पताल हमने उसको बनाया। आज मैं बताता हूं, जब वो अस्पताल टेम्बा से हॉस्पिटल म्युनिसिपैलिटी का हम बना रहे थे तभी मैं अपना अस्पताल बना रहा था, और मैंने अपने कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट्स को रख के उस अस्पताल का नियोजन को सही किया। सत्ता बदली, ये सत्ता में आए, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया। आज गरीब आदमी को वहां पे डिलीवरी वाली महिलाओं को रातों रात निकाल दिया जाता है। कई पत्रकार और नागरिक इस बात के गवाह है। 35 करोड़ के इक्विपमेंट्स वहां सड़ गए, उसका सीएमसी खत्म हो गया, एएमसी खत्म हो गया, मगर ये 5 साल में सिर्फ सभाएं करते रहे, उद्घाटन करते रहे, नामकरण करते रहे, मगर सरकार को हैंडओवर नहीं कर पाए, वहां पे कोई भी प्रकार की आरोग्य सेवा नहीं खड़ी कर पाए। हमने जो डीपी प्लान बनाया उसका वक्त पूरा हुआ, नया डीपी प्लान बनने से पहले ही पब्लिक हो गया, दलालों के हाथ में पहुंच गया, बिल्डरों के हाथ में पहुंच गया। आखिरकार सरकार को असेंबली में सवाल का जवाब देते हुए उस योजना को, नए डीपी प्लान को स्टॉप करना पड़ा। मगर आज तक नया ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ, मगर क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास है तो मॉडस ऑपरेंडी चलती है कि जो नए डीपी प्लान में ये करने जा रहे थे, नॉन डेवलपमेंट जोन को रेसिडेंशियल में करने जा रहे थे, सॉल्ट पैंस को खत्म करने जा रहे थे, वेटलैंड्स को खत्म करने जा रहे थे, सीआरजेड को खत्म करने जा रहे थे, मैंग्रोव को खत्म करने जा रहे थे, ये सारी चीज ये मेजॉरिटी के बेसिस पे पिछले साल भर में इन्होंने म्युनिसिपैलिटी में ठहराव लाया और सरकार इसके अंदर शामिल है। सरकार ने उन सारी बातों को मान्यता देने का काम किया, मगर हमने सरकार के पास में ऑब्जेक्शन रेस किया, क्योंकि हम ये मानते हैं और हम ये करना चाहते हैं कि जो वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट लैंड है, मैंग्रोव है, सॉल्ट पैंस है, ये रहना चाहिए,
या एनवायरमेंटल न तो एनवायरमेंट का थ्रेट खड़ा होगा, यह हम करना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिसर्स की क्या हालत है पूरे देश में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। इस शहर में से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, लोग वसई वापी दमन जा रहे हैं। तोराट साहब मीरा भाईंदर मशहूर था कि स्टील के बर्तन बनाने के छोटे छोटे कारखाने थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे। आज उनकी दुकान उनके इंडस्ट्रीज को तोड़ने का काम, इलीगली तोड़ने का काम, बगैर नोटिस देके तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो ये सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। 3 साल पहले हमने आंदोलन किया और उस तोड़क कार्रवाई को रुकवाया। 10 दिन के बाद पुलिस ने हमारे पे इलीगल मोर्चा हमने किया, उसका केस रजिस्टर किया और पहला आरोपी मुजफ्फर हुसैन को बनाया। मुझे फख्र है कि मैं लोगों के लिए खड़ा हुआ। आज तक मैंने बेल नहीं ली, मैंने कहा अरेस्ट कीजिए, मुझे नोटिस दीजिए, केस रजिस्टर किया है, अरेस्ट कीजिए, मगर पुलिस में ताकत नहीं कि मुझे अरेस्ट कर सके। अब आएगा आपको दिखेगा फॉर्म में, पेपर वाले छापेंगे, पेपर वाले डिटेल नहीं छापते। मुजफ्फर हुसैन के ऊपर भी 2 क्रिमिनल केस है, ऐसा छाप के आएगा, पढ़िएगा आप लोग कि 2 क्रिमिनल केस मुजफ्फर हुसैन पे भी है। ये बहुत बातें पब्लिक करती थी कि साफ सुथरी छवि का नेता है, मगर देखिए इस पे भी क्रिमिनल केस है। तो मेरे पर क्रिमिनल केस है जो गांधी जी के विचारों से हम सीखे हैं, उस तरह का है कि सर कटा देंगे मगर घुटने नहीं टेकेंगे। धोखादायक इमारत इस शहर में हजारों की तादाद में है। हमने क्लस्टर डेवलपमेंट योजना तैयार की थी, 2014 में क्लस्टर डेवलपमेंट योजना तैयार हो गई थी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब थे, कट ऑफ डेट डेवलपमेंट का 1985 रखा था। मैंने उनसे जाके कहा कि सर 12 जून 1985 में हमारी नगर परिषद बनी है और हमारे को 85 के बाद में ही शहर का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए कट ऑफ डेट आप 95 रखिए। उन्होंने उस बात को माना, 95 डेट रखा, मगर ये सरकार ने यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने 5 साल में वो फैसला नहीं कर पाए। वो फैसला हमको सरकार से कराना है। मच्छीमारों की समस्या है, जेटी नहीं बनी, फिश ड्राइंग एरिया नहीं बना। लियो कोलोसो साहब हमारे नेता है, फिशरमैन के नेता है, इंटरनेशनल फिशरमैन सोसाइटी के डायरेक्टर है। मेरे आमदारगी के फंड से जो हम कर सकते थे, जेटी बनाना, मच्छी सुखाने का एरिया बनाना, वो हमने किया है, मगर सफिशिएंट नहीं है, उस पर और काम करने की जरूरत है। घन कचरा का प्रकल्प जो गर्बर सिंह टैक्स आप पे लगा है, उसकी कथा 2 मिनट में सुन लीजिए। कचरे का प्रोजेक्ट वहां चल रहा था, उसे विविध कारणों से बंद हुआ। आज की समस्या, आपका जो कचरा उठता है 6.25 रुपया पर किलो, वहां पे एक फैक्ट्री लगी है, कारखाना लगा है, जो सिर्फ उसका ब्लॉक बनाता है, कचरे का कॉम्पैक्ट करके और फर्नेस में बेचता है। म्युनिसिपैलिटी को 1 रुपया नहीं मिलता, दिन का 3.5 लाख रुपया आपके टैक्स का पैसा कारखाने को दिया जा रहा है, महीने का 1 करोड़ रुपया, साल का 12 करोड़ रुपया। जो कचरा उठाने का टेंडर 2014 तक के कुछ करोड़ों के दिए जाते थे, इनके राज में वो साल का 100 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जा रहा है। 2014 तक के 450 टन मेट्रिक टन कचरा उठाया जाता था, अभी 550 मेट्रिक टन है, मतलब 20% कचरा बढ़ा, लेकिन टेंडर की अमाउंट 500% बढ़ी है। और ये पैसा किससे लिया जा रहा है? गब्बर सिंह टैक्स करके आपके जेब से चोरी किया जा रहा है, उसे रोकना है। कचरे के लिए विलावाट लगाने के लिए हमने जगह सकवार में वसई में ली, पृथ्वीराज चौहान ने 15 एकड़ जगह दी, मगर 5 साल में ये वहां पे प्रोजेक्ट को शिफ्ट नहीं कर सके। उत्तन के अंदर 10 लाख मेट्रिक टन अनसाइंटिफिक पद्धति से कचरा पड़ा हुआ है। उत्तन के लोगों को बीमारियां होती है, दुर्गंध आती है, खेती नष्ट हो गई है, उसके ऊपर कोई उपाय योजना पिछले 5 साल में नहीं की। ये शहर में फेरी वालों के मसले हैं, पहले 3-4 हजार फेरी वाले थे, 5 साल में 15 हजार फेरी वाले हो गए। म्युनिसिपैलिटी 1 करोड़ रुपए का टेंडर निकालती थी, अब 10 करोड़ का टेंडर निकलता है। फेरी वाले किसके हैं? जो 200-2500 साल से फेरी वाले जो बैठते थे,
उनको जगह नहीं दी जा रही, नए फेरी वालों को नए म्युनिसिपैलिटी के मार्केट्स में जगह दी जा रही है। जो जूने फेरी वाले हैं उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है उनको हमको न्याय दिलाना है। मीठा अगर को नष्ट किया जा रहा है उसे हमें बचाना है। डीम कन्वेंस का कायदा कांग्रेस की सरकार ने बनाया, आसान बनाया, मगर फिर भी डीम कन्वेंस सोसाइटी के नहीं होते हैं। प्रशासकीय अड़चने निर्माण की जाती है, लोक प्रतिनिधि आपको लेटर भेजते हैं कि हमारे दफ्तर आइए हम आपका डीम कन्वेंस कराएंगे। कायदा है, कायदे से होता है, और जिस किसी को दिक्कत आएगी उसको हमें सॉल्व करना है। हर समाज के लिए 5 साल पहले कई समाज को वो कहावत सुनी होगी आपने, हथेली में चांद दिखाना। हथेली में चांद दिखता है क्या? कभी दिखता है क्या? कोनी पे गुड़ लगाना, लगने के बाद आप खा सकते हो क्या? सभी समाज के लोगों को यह कहा गया कि हम तुम्हारे लिए भवन देंगे, अग्री भवन देंगे, उत्तर भारतीयों को भवन देंगे, बंगाली भवन देंगे, बिहारी भवन देंगे, मलयाली भवन देंगे, तमिलियन भवन देंगे। मतलब हर समाज को ऐसा संभ्रम निर्माण किया गया कि हम भवन देंगे। अब उसने दिया नहीं दिया, मगर हम आपको जरूर दिला के रहेंगे। दहीसा टू भाईंदर लिंक रोड 2013 में पृथ्वीराज चौहान साहब के पास हमने मान्यता कराई थी, 5 साल में उस पर कुछ नहीं हुआ, उसे पूरा हम करेंगे। भूमिगत गटर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के तहत आपने देखा बन के 5 साल से तैयार है, मगर आपकी सोसाइटी का ड्रेनेज आज भी गटरों में जाता है। क्यों? तो टेंडर किसी को चाहिए, इसलिए 5 साल से शहर में धान का पानी, सेप्टिक टैंक का पानी आपके और हमारे रास्तों पे नजर आता है। पर्यावरण का जो नाश हो रहा है उसे हमें रोकना है। जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तो अस्पताल है ही है, मगर जानवरों के लिए अस्पताल किसी ने ड्रामा करके इलेक्शन के मोड़ पे शुरू किया, 10 दिन में बंद हो गया। जानवरों के लिए दफन भूमि बनानी है, जानवरों के लिए अस्पताल बनाना है, ये हमारा निर्धार है। रेलवे लानी है, मीरा रोड लोकल करना है, पानी देना है, कचरे का टैक्स हटाना है, ये सवालों को लेके, ये हमारे जाहिरनामा को लेके आपको जनता के बीच में जाना है। रट लीजिए इसे और लोगों को बताइए आ गए हम आपकी समस्याओं का हल लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।